अंजनी गाड़ी चला रही है, हम पशु अस्पताल जा रहे हैं, इधर गाड़ी खड़ी, इधर गाड़ी खड़ी, देख रहे हैं रायबली की सबसे मुख्य सड़क कितनी भीड़ है, कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर है ना, ट्रैफिक की व्यवस्था, देख रहे हैं इधर गाड़ी इधर गाड़ी, ये खेलिया सब देखो, खाली नेताओं को वोट चाहिए बस, वोट दे दो चाहे जो करो, ये जनता ही अंधी है, कोई जनता नहीं बोलती है कि सब ये सब क्यों नाटक होता है, थोड़ी देर अतिक्रमण अतिक्रमण है, देख रहे हैं ये देखो, जरा भी चूक जाओ इसमें आदमी पैदल कहाँ जाए, इसमें आदमी पैदल कहाँ जाए, देख रहे हैं सड़क के किनारे, देख देख लगा अब खड़े कि तब खड़े, ये सड़क की पटरी है, देखो ये देखो अभी अस्पताल की ओर हम मुड़ेंगे, देखो यहाँ पर ये सब मिट्टी के बर्तन की दुकान सजा के रखी गई है, देखो ये देखो अभी अस्पताल के अंदर आए, आ जाओ मैं आ जाओ, क्योंकि यहाँ कैमरा दिखाना भी तो जुर्म है, यही कानून हमारे यहाँ का है, यही कानून है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसको दिखाओ मत, ये बचिया है और इसके पैर में कहीं फ्रैक्चर है, अब भुवन सिंह आते हैं, हमारी बेटी आती है, नाती आता है, बेटे अरे नीचे बाजू बिछा हो अगर ये तो से नहीं अमन नहीं लाए तो रहे बालू, अरे तो रोज रोज बालू थोड़े हुई, वही बालू सोखा करी, ये बोरिया में बलुए है जहाँ तक है, कहाँ है डाल दो खाए बेचारा, बताइए इसके पैर में फ्रैक्चर है और क्या ना, वो बताते हैं यहाँ वो जोड़ेगा नहीं, अभी आए हैं पता है, हाँ ये अरे राम राम राम, इससे अच्छा बेचा काट ही न दिए जाने, लेकिन एक दब ये जमीन में रगड़ा करी तो फिर घाव बना करी हैं, हाँ चल के चलो बात करी, एक तो कुर्सी पर कोई मिल जाए तब तो, हाँ 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 वो मालूम है, हाँ बंद करके ही चल रहे हैं, भुवन सिंह का पता नहीं चाहे बस आइए, अरे कोई हमारे दरवाजे आ गया है तो हम क्या करी भाई, क्या छोड़ के चले आइए हैं, अरे घास रोज हमारे यहाँ से आता है, रोज लेबर आ रहा है इसका महंगा लेबर, रोज घास कटवाते हैं, हरी घास कहाँ शहर में रखा है, और हाँ भाई नहीं फोन किए न है, बस मैं आ रहा हूँ मैं वहीं मिलूँगा, अरे हम आधे घंटे के बाद आओ, बताए ना वो सब वो अलग टाइप के हैं एकदम, बस आग लगाना छुरछुरी लगा, अरे भाई मौजूद रहो चल के हम लोग बात करी, कोई उपाय हुए, कोई भरोसे का आदमी नहीं, उनके पड़ोस में खुद लोग कहें कहीं इसीलिए फ़ोन नहीं उठाते हैं, देखो ये गोबर उबर पड़ा था या एक बढ़िया वो हुई चाहिए एकदम, अब यह सोखत नहीं ना ये हैं, बैठा लेबर लगा के खोदा जाए, कच्चा हुआ तो सोख लिए अंदर ही अंदर, वही पेट पे कीड़ा भी भरा है इनके, वो भी पेट के कीड़ा की भी दवाई सामने पलवाना है, अरे बस हाँ महीनों से बैठे बैठे, अरे इनके सारे कर्म हो रहे हैं, अब इसीलिए हम लोगों से चाहते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद हजारों लाखों लोग सरकार के पास मैसेज भेजो कि इसको वहाँ जो सर्विस सेंटर कौन है रिसर्च सेंटर कुमारगंज फैजाबाद वहाँ से वहाँ में इसका ऑपरेशन कर दें, खपाची बांधें, बाकी खिलाना पिलाना तो हमारी बेटी कर रही है, भुवन सिंह कर रहे हैं, इसके पहले कितने जानवर यहाँ मर के चले गए, जो आया हूँ मर गया, बचने नहीं पाया, बस वीडियो न बनाइए, हमने कहा ठीक हम अस्पताल का नहीं दिखाएंगे आपको, हाँ ये सुनो झाड़ू से गोबर न हटी, ये कोई एक पटरी पड़ी हुई पटरी, वही पटरी से गोबर का हटाओ, पटरी से यही सब हो रहा है, कहीं कोई बोलने वाला है, अरे मंदिर जाने वालों तुम्हारे औलाद की कसम है समझ गए, तुमको बोलना है केवल लाठी नहीं चलाना है, तुम आवाज़ उठाओ सरकार से, लाखों लोग मांग करो कि भैया या तो कुमारगंज वाले हमें या इसको ले जाएं, या कोई गौशाला वाला ले जाए तो उसकी वहाँ फोटो बनेगी वीडियो, ये नहीं कि ले गए और पता लगा एक हफ्ते के बाद कहाँ मर गई, ये गाय की दुर्दशा हो रही है समझ गए,
चले अभी देखिए बातचीत करते हैं, मिल जाए बात करते हैं, ठीक है रखे थे इसको रख रहे हैं, ये पट्टी बगल से ले लेना गोबर हटा देना। अरे बताओ भुवन से, मैं बस हमने कहा हम आधे घंटे के बाद पहुंच रहे हैं, आप आधे घंटे नहीं हम चल रहे हैं है? हाँ 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 एकदम फैलाओ। अरे कुछ तो सौखी कुछ तो करी हो, ये चुनी चोकर बाहर कर लो, जो इसकी तकलीफ बताओ कहाँ इसका बदना चाहिए, कहो पैर में सड़न आ जाए वो मुसीबत ऐसा फैला दे, ज़्यादा उधर ना जाए खाए की तरफ मुंह की तरफ ना जाए, हाँ पैर की तरफ कर दो, हाँ धीरे 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 हाँ भूख से पेट लग रहा है। चले साहब इसको रखे, अब डॉक्टर साहब से बात करें, ये भूसा सूखा रखा भूसा खाएगा, ये जानवर शहर का जानवर भूसा नहीं खाता है, ठीक है इसको हम बंद कर देंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ भाई कभी किया रहे थे, रुक आओ हम आधे घंटे में आ रहे हैं, नहीं दोबारा आप यहाँ गायब, कहें हम वहीं मिलेंगे आपको, तो कहाँ हैं आप?